ओके हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है कि आपके पास वेटी ग्राफ क्या होता है, वेटी ग्राफ के अंदर जो कर्व होता है उसका कर्व के नीचे जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है और उसकी हमने सिग्निफिकेंस बयान कर ली। अब हम मूव कर रहे हैं 3.3 के साइड, दैट इज एक्सेलरेशन मेन टॉपिक। देन 3.3.1 में कह रहा है कि एक्सप्लेन करो इक्वेशन ऑफ मोशंस को, जब आपके पास जो है एक्सेलरेशन जो है ना वो यूनिफॉर्म और स्ट्रेट लाइन में, और दूसरी जगह पे वो कह रहा है बी पॉइंट में इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और स्ट्रेट लाइन में हमें मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिफाइन करना है। तीन इक्वेशंस है हमारे पास, ओके उनकी डेरिवेशन के अलग अलग मेथड है जो कि हमने 9th में देखे। अभी डेरिवेशन नहीं करनी हमें, बहुत तीन इक्वेशन हम सबको याद है जो कि मैं वापस लिख रहा हूँ, अगर किसी को याद नहीं तो लिख दो। फर्स्ट इक्वेशन ये आपकी बी एफ इज इक्वल टू बी आई प्लस ए टू, ओके। सेकेंड इक्वेशन आपकी ए एस इज इक्वल टू बी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन आपकी है टू ए एस इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर माइनस बी आई स्क्वायर, ओके। ये तीनों की तीनों जो है वो एप्लीकेबल है जब आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो, मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो तब आपके पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल है, अदरवाइज वो नहीं होगी, राइट। इनको हम यूज कर रहे होते हैं, ये मतलब क्लासिक मैकेनिक्स में से आती है, सेम क्लासिकल फिजिक्स में हमने ये ड्राइव की हुई, तो उनको हम बहुत सी जगह पे कैलकुलेशन वगैरह में यूज कर रहे होते हैं, फ्री फॉर मोशन वगैरह में यूज कर रहे होते हैं। सो ये कह रहा है एक्सप्लेन करो, आप बताओ कि कोई चीज ऐसी जो कि आपको समझ में ना आ रही है तो मैं एक्सप्लेन करूं। या मैं डायरेक्टली इसके सवाल करवाऊं आपको, नीचे क्या लिखा है, छोटा सा क्या लिखा है, चेंज इन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहती है। आई होप आपको सबको पता होगी, ओके। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वैसे वर्ड प्रॉब्लम्स आपने बहुत सी की होंगी लेकिन मैं डेटा बना के आपको दे रहा हूँ। सपोज करते हैं आपकी जो बी एफ है वो जीरो है और आपकी जो एक्सेलरेशन है वो है सपोज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम जो है वो है आपका 7 सेकंड्स। अब मुझे आप है ना इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करके दिखाओ। सॉल्व करके दिखाओ। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जेन में ये तीनों लिखी हुई होनी चाहिए, अगर जेन में नहीं लिखी हुई तो ऐसी क्वेश्चन देख के पेपर के साइड पे ये तीनों के तीनों लिख लें आप, देन फाइंड करें मैच करें। आपको बी एफ गिवन है, ए गिवन है और पी गिवन है, तो बी एफ ए और पी ये तीनों इस इक्वेशन में आ रहे हैं और बी आई आपसे पूछा गया है, तो बी आई भी हमें ना मिल जाएगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम यूज करेंगे। इसके अलावा कंपेयर करें सेकेंड इक्वेशन को, तो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास बी एफ को हम यूज नहीं कर रहे, हमें सिर्फ ए और पी गिवन है, लेकिन हमें बी आई को फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट भी गिवन होना चाहिए था, अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन होता तो हम सेकेंड को यूज करते। अब आ रही थर्ड वाले की, तो अगेन इसमें डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन नहीं है, तो सेकेंड एंड थर्ड हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है। बाकी हम इसे यूज करेंगे तो बी एफ की जगह पर मैं पुट करूंगा जीरो, बी आई प्लस ए क्या है आपके पास 5 और टी है आपके पास 7, तो 5 × 7 आपके पास होता है 35, ओके। बी आई आपका ये यहाँ पे हमें बी आई फाइंड करना है, तो ये आएगा 35 पॉजिटिव का, तो दूसरी साइड जाके 35 नेगेटिव इक्वल टू बी आई हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अगर मैं इसी में ही पूछूं मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसी में ही मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा, लगा दो जो लगा दिया सेकंड लेवल
देखो सेकंड भी लगेगी थर्ड भी लगेगी, लेकिन अकलमंद इंसान जो कि शॉर्ट टाइम सॉल्व करना चाहता है वो सेकंड लगाएगा या थर्ड लगाएगा? सेकंड। थर्ड इक्वेशन जो है ना वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रहेगी हमारे लिए। हर इक्वेशन में हमें क्या करना है, देखो वेव क्या है, पहले से ही जीरो है तो वेव स्क्वायर का भी मतलब अभी हम थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं अगर और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं सो हमारे पास क्या है 2 ओके ए की वैल्यू 5 है डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है और वेव की वैल्यू 0 तो 0 का स्क्वायर 0 होता है माइनस बी आई की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 35 तो ये माइनस का 35 है उसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी जो कि पॉजिटिव होगी क्या आ रही है 35 का स्क्वायर ये राइट तो यहाँ पे हमें हमारे पास आ रहा है एस फाइंड करना है सो एस इज इक्वल टू माइनस के 12 डिवाइड बाय 5 टू द 10 और ये आ रहा है 12.25 मीटर आपका डिस्टेंस माइनस का माइनस का 122.5 हां 22 मैंने गलती से आगे तो यहां आपको डिवाइड करोगे आपके पास ये वैल्यू आएगी राइट सो ये इक्वेशन का आपको यूज करना है और इन्हें एक्सटेंड कर लाना है स्पेशल का मतलब क्या हो कि डिस्चार्ज की डायरेक्शन जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन है आपका बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का एक वेक्टर है वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है उसे हम डिस्कस कर चुके थे आपके आने से पहले तो हां मेरे को पता है मैं बार-बार डोंट करूंगा बार-बार ये जताऊंगा कि आप ऐसे पे बस जैसे आए अरे तो पूछो ओके फाइन आपने देख लिया ये सिंपल ओके अगर मैं कह रहा हूं यहां पे दूसरा बी पॉइंट दिखा रहा है ए पॉइंट में इसने कहा कि आपको ना इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करना है या एक्सप्लेन करना है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमने देख लिया बी में कह रहा है इन इक्वेशन को एक्सप्लेन करो इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि नॉन रेजिस्टिव मीडियम में है ओके तो जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड में बात कर रहे होंगे तो आपके पास जो है ना एच वैसे मैं बता दूं जो आपका ए से वो बराबर हो जाएगा एच के और जो आपका ए है वो बराबर हो जाएगा जी के बिकॉज एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाली होगी और डिस्टेंस आपका हाइट होगा ओके सो यहाँ पे इन तीनों में जहाँ पे ए लिखा हुआ है वहाँ पे मैं जी लिखूंगा जहाँ पे एस लिखा हुआ है वहाँ पे मैं एच लिखूंगा तो बी ए इज इक्वल टू बी आई प्लस जी टी सेकेंड हो जाएगी आपकी एच इज इक्वल टू बी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर थर्ड आपकी हो जाएगी 2ah इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर ओके और सेम तरीके से इसके भी क्वेश्चंस बन सकते हैं लेकिन याद रखना यहाँ पे बस क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरह से कि कहता है कि अगर मैं बोर्ड को इस मार्कर को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ ओके फेंक के नहीं दिखाऊंगा मेरे केस करना अच्छा नहीं मेरा सो मैं इसे ऊपर फेंक रहा हूँ सही है सो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी अक्सर बच्चे कहते हैं क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इस चीज में बच्चे अक्सर कंफर्म होते हैं कंफ्यूज होते हैं सो जब आपके सवाल में ये कहा जा रहा है कि कोई चीज ऊपर फेंकी जा रही है ओके तो जाहिर बात है अगर वो इस पॉइंट से ऊपर फेंकी गई ऊपर गई ओके ऊपर जाने के बाद वो जाहिर बात है यहाँ से ऊपर जाते जाते एक जगह पे रुकेगी मतलब वो बहुत ही मिनी है किसी छोटे से इंस्टेंट के लिए रुक रही है लेकिन वहां पे रुकेगी और रुकने के बाद वो वापस नीचे आएगी ओके सो सपोज मैं कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड ओके 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है फाइन तो ये ऑब्जेक्ट जो ऊपर जाता है एंड देन वो वापस रिटर्न होके जमीन पे गिरता है उसमें उसको जितना टाइम लगता है दैट इज सपोज करते हैं 17 सेकंड्स ओके एंड थर्ड चीज मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताओ
हाइट कितनी कवर होगी, या मुझे बताओ उसने ना बंदे ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, डिस्टेंस कवर किया होगा, ये मुझे बताओ। डिस्टेंस कवर्ड बाय डेड ऑब्जेक्ट मुझे बताओ। सवाल समझो, मैंने सपोज एक बॉल है, बॉल को मैंने ऊपर फेंका है, ओके, ऊपर फेंका विद द इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और उस बॉल को ऊपर जाने में और वापस मेरे हाथों में आने में टाइम लगता है 17 सेकंड का। अब मुझे बताओ कि उस बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। आई एम आस्किंग, ये पॉइंट याद रखना, मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूं। और मुझे ये भी बताओ कि हाइट कितनी होगी, ओके, और ये बताओ कि डिस्टेंस इक्वल टू हाइट होगा या नहीं। चलो ये तीनों चीजें मुझे बताओ जल्दी से। मैं ना 5 सेकंड के लिए आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो वालों के लिए पॉज कर रहा हूँ, सॉल्व करके आगे बढ़े। आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लें, और जिन्होंने किया है वो भले फॉरवर्ड कर लें। इसका सॉल्यूशन क्या होना है? पहली चीज हमने देखा, और मैंने जैसे मतलब इस सवाल को देने से पहले ही बताया कि अगर आपको वे आए गिवन है, कोई चीज ऊपर फेंकी जा रही है, तो ऊपर इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो बॉडी पर मिली सेकंड या बहुत ही नैनो सेकंड रुकेगी, रुकेगी तो मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होगी उसकी होगी 0 मीटर पर सेकंड। तो मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल फेंका जा रहा है, तो इनिशियल वैल्यू फाइनल वेलोसिटी और टाइम आपको गिवन है, ओके। आपसे पूछा गया डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करने से पहले आपको यहाँ पे बताना है हाइट, और ये टाइम जो ये टोटल टाइम गिवन मतलब बॉडी को ऊपर जाने में और वापस नीचे आने में कितना टाइम लगा है। तो इस टाइम को आप है ना डिवाइड करोगे 2 से टू फाइंड द टाइम जो कि इस बॉडी को इस हाइट को कवर करने में लगा होगा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए 17 / 2 करोगे तो वो आपका होगा टाइम, ओके, या ऐसे में टाइम नोट कर देता हूँ। तो 17 डिवाइड बाय 2 किसके बराबर होता है? 8.5 आपका जो टाइम है, और ये टाइम की वैल्यू को आप लगाएंगे इक्वेशंस में, राइट? अब देखो आपको टाइम गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, सही? और यहां पे एक और चीज पूरी हो रही है, एक्सीलरेशन भी आपको गिवन है, देखा ये ऊपर जा रही है, एग्री हो जाएगी। तो यहां पे आप ऊपर या नीचे जा रहे तो आपके पास एक्सीलरेशन क्या होगी? g is equal to 9 minus का 9.8 कैंसिल हो जाएगी, ये दो ओवर h थी, h थी ना हाइट। देखो अभी हमसे हाइट फाइंड कर रहे हैं, ओके, सो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमने देखा, अब हमें बस ये डिस्कस करना है कि बॉडी क्या है, नीचे से ऊपर जा रही है और वापस नीचे आके गिर रही है, टोटल टाइम गिर रहा है, और हमें हाइट और डिस्टेंस फाइंड करना है। हाइट के लिए चलो फाइव मिनट देख लेते हैं, हो सकता है सवाल फंसा किया मैंने। और ये भी ले सकती, मतलब जिसको ये आइडिया ना हो, जिसको ये आइडिया ना हो कि vf क्या होगा, वो सेकंड वाली इक्वेशन यूज कर सकता है, ओके, और जिसको ये आइडिया ना हो कि टाइम जो है वो ये वाला होगा या ये वाला होगा, वो थर्ड इक्वेशन को यूज कर सकता है। सेकंड और थर्ड दोनों यूज हो रही है, हर बंदे के हिसाब से वो अपने हिसाब से यूज कर सकता है। तो थर्ड यूज करें, 2 माइनस की वैल्यू आएगी 9.8, ओके, हाइट हमें फाइंड करनी है, वेव हमारे पास 0 का स्क्वायर 0 होता है, इनिशियल वेलोसिटी 20 का मतलब 400, ओके, हाइट इज इक्वल टू माइनस की 400 डिवाइड बाय 2 इनटू 9.8 माइनस 20 तक करना डायरेक्ट, ओके, बिल्कुल ये ले लो 10 चार तो गैर भी हो गया, ठीक है ना, ठीक है, करो तो ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 400 डिवाइड बाय 2 करो 200, और 200 डिवाइड बाय 9.8 करो आपको मिल जाएगा आंसर, करो सॉल्व करो। 20.408
400 डिवाइड बाय 2 ओके 200 आएगा और 200 डिवाइड बाय 9.8 करोगे क्या बताया 20.401 तो ये आपको हाइट मिल गई ओके लेकिन मेरा मेन सवाल जो स्टार्टिंग में मैंने पूछा था आपको डिस्टेंस पता नहीं और डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर बाय बॉडी ओके सो हमने कहा कि बॉल ऊपर जाती है और वापस हमारे मेरे हाथों में आ रही है सो मतलब डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 2h मतलब 40.8 पहले ऊपर जाने में वो कवर करेगा 20.41 मीटर्स वापस ऊपर से नीचे आने में वो कवर करेगा 20.41 मीटर्स सो यहां पे आपके पास डिस्टेंस बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ हाइट और ये बन रहा है 40.82 राइट ये आपकी डिस्टेंस आ गई और हम कह सकते हैं अब देखो कंपेयर करो आपको पता चल जाएगा कि ना डिस्टेंस इक्वल टू हाइट नहीं हो सकता सवाल सॉल्व हो गया ओके फाइन भाई बस फिर गो अच्छा गाइस हमने ये सवाल सॉल्व किया और इस डेटा को यूज करते हुए ओके लेकिन वी फाउंड के ना मैंने यहाँ पे रेंडमली अपनी तरफ से वैल्यूज बना दिए और बना के आपको सवाल दे दिया और उसको वेरीफाई नहीं किया कि ना ये सारी इक्वेशंस को यूज करके वे आंसर सेम आ रहा है या नहीं सो प्रॉब्लम हमारा था भाई कि हमने यहाँ पे टाइम देखा टाइम हमने दिया था टोटल टाइम जो था वो 17 सेकंड का हमने दिया हुआ था सो वो मैंने वेरीफाई नहीं किया था जिसकी वजह से टी को पुट करने से इस वैल्यू में और सेकंड वाले इक्वेशन में हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो दोनों का सेम नहीं आ रहा था So this was the mistake by my side. I'm really really sorry. I hope अब आप समझ रहे होंगे अगर आप इस time को use कर रहे हों total time आपका है 11.055 second और इसको divide by 2 करोगे तो आपके पास आएगा 5.25 ये time अब हमने verify किया और ये time put करने से आपके पास equation 2 में put करो या 3 में put करो आपके पास values same आ रही है okay so thank you so much यहाँ पे आप equation of motions को complete कर चुके हैं